तहसील विकास नगर बना भूमाफियाओं की शरण स्थली, जल जंगल जमीन पर बाहरी प्रदेश के भूमाफिया काबिज, आखिर कब बदलेगी तस्वीर। मामला है तहसील विकास नगर अंतर्गत शिमला बाईपास रोड से धर्मावाला चौक से विकास नगर की ओर आने वाले मार्ग पर लगभग 300 बीघा कृषि भूमि का, जिस पर बाहरी प्रदेश के भूमाफिया बिना किसी विभागीय अनुमति लिए, बिना MDDA से मानचित्र स्वीकृत कराए व बिना रेरा से अप्रूव्ड कॉलोनाइजर कराए कृषि भूमि पर खड़ी हरी भरी लहलहाती फसलों को उजाड़कर सरकार के उस आदेश जिसमें बाहरी प्रदेश के लोगों को सिर्फ 250 गज का प्लांट खरीदने के नियम आदेश हैं कि धज्जियां उड़ाकर उक्त प्लॉटिंग में बाहरी प्रदेश के लोगों के नाम, एक ही परिवारों के कई सदस्यों के नाम, बड़े भूभाग की रजिस्ट्री का उत्तराखंड सरकार के नियमों को छेंगा दिखाने का कार्य उक्त भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है। यदि जनपद के नवनियुक्त तेजसरार जिलाधिकारी देहरादून उक्त प्लॉटिंग में हुए विक्रय पत्रों की जांच करवा ले तो भूमाफिया का मुंह काला हो जाए, परंतु बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। उक्त भूमाफिया जुमलेबाजी एवं कार्रवाई करने वाले जिम्मेदारों के मुंह सुविधा शुल्क देकर बंद कर देते हैं। ऐसे में देखना यह है कि कोई कार्रवाई होगी या पछवाधून की जल जंगल जमीन को भूमाफिया निकल जाएंगे और सिर्फ रह जाएंगे कंक्रीट के जंगल। बड़ी हैरानी की बात है कि उक्त अवैध कार्य तहसील मुख्यालय विकासनगर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा है।